चलो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। जननायक चौधरी जेजेपी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। युवा पीढ़ी है जो नशे से बच रही है, इनाम भी बड़े बड़े हैं, बुलेट है जैसे 5 लाख रुपए है, 3 लाख है, बढ़िया कर रखा है, सही है। टूर्नामेंट में नहीं, ये टूर्नामेंट जो हमारे गांव में हो रहा है जी, ये बहुत बढ़िया आयोजन है जी। हमारे गांव में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है भी, हमारे गांव की ये भी शोभा है, एरिया की शोभा है भी, हमारे गांव में ऐसा टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है। नहीं, जेजेपी ये अच्छी सोच है जी, भी ये जेजेपी है, ये तो बहुत मोटी पार्टी है जो बच्चों को नशे से मुक्त करना चाहती है। हम अपने घरों को बच्चों में नशा मुक्त करना चाहते हैं, एक परिवार है वो भी अपने बच्चों को, ये तो एरिया को बच्चों को नशा मुक्त करना चाहते हैं ना, तभी तो इन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा है ना ये। धन्यवाद। दिलीप कुमार जी, कैसा लग रहा है टूर्नामेंट देख? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा रहेगा हमारे, पीढ़ी से बचेगी सब, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी तरह चलेगा प्रोग्राम। जी सर, क्या कहना चाहोगे टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बढ़िया है, पर हमारे तो मेन समस्या है रोजगार की, कुछ रोजगार वाले इधर का संदेह दे के थक गया, कोई सुनाई को नहीं। अगर चंडीगढ़ कोई दरखास्त भेजे उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, अनिल पिच के पास भेजे तो भी कार्रवाई नहीं है। सरकार जो अपने आप का मतलब सिस्टम चला रही है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आज हमारा विषय टूर्नामेंट ही है सर, ये इस बात के लिए आपको टूर्नामेंट हो रहा है इस इलाके में, और जेजेपी का एक प्रयास है कि बच्चों को नशों से बचाया जाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये एक अच्छी मुहिम है, और इससे जो नशे वाली बात है वो आपकी सही बात है भी, बच्चे जितने इस नशे से दूर हो गए उतने ही कामयाब हो गए बच्चे, खेल में ले लो, पढ़ाई में ले लो, नशे से जो बच गया वो आज के टाइम में एक अच्छा बच्चा कह सकते हैं उसको। बाकी नशे का बहुत बुरा हाल है जी, पंजाब का आप ले लो, पंजाब में इतना बुरा हाल है, क्या क्या था पंजाब और क्या हो गया पंजाब आज के टाइम में। नशे से बचना बिल्कुल ज़रूरी है जी। अच्छा टूर्नामेंट है सर? बिल्कुल जी, अच्छा टूर्नामेंट होगा, सारा गांव सहयोग कर रहा है, हम जो यहाँ खेलते हैं वो भी, और जो नहीं खेलते वो भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे पहला टूर्नामेंट कोस कोपाल होने जा रहा है, जो ग्रामीण इलाके में आज तक इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ नहीं, और उसके बाद में देखिए आयोजक जितने अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं, उसके साथ इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं, पार्टी लीडरशिप भी आ रहे हैं, उसके बाद में ग्राउंड का दृश्य देखिए आप कितना शानदार है, बड़ा नज़ारा देखने वाला आनंद आएगा। बिल्कुल यही मुहिम चलाई जा रही है कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको, उनकी दिशा बदल के गेम की तरफ लाया जाए, ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित रह सके। और कोई तरीका नहीं रोकने का, इस गेम की बॉल से लोग खेलते हैं बच्चे, तो शायद भविष्य में हमारे बच्चे वितरित न हो। तो तेज हरियाणा टीम का धन्यवाद जो यहाँ पर आके लाइव कवरेज कर रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम अब रिसालिया खेड़ा गांव में हो रहा है, इसके लिए मैं जो दुष्यंत चौटाला है उनका भी स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि देखा गया है कि रिसालिया खेड़ा केंद्र बिंदु रहा है आज तक, चाहे नौकरी लगने में युवा आगे रहते हैं, आज इस स्थान को खेल के लिए चुना गया है, यहाँ से ओपनिंग हो रही है, इतने बड़े कलाकार आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि नशे के प्रति भी यह बहुत शानदार एक कार्यक्रम होगा, इसमें युवा लोग हैं वो खेल की तरफ जुड़ेंगे, नशे से दूर हटेंगे, और सीधी सी बात है जो भी युवा अगर खेल की ओर जुड़ता है तो नशा अपने आप ही दूर हो जाता है उससे। तो एक बार फिर से मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ इस कवरेज के लिए, थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा होगा उससे फ़ायदा, और खुशी की लहर है यहाँ, क्या बात है, सब बच्चे मतलब इस ग्राउंड में खेलने आते हैं, तो इससे और भी आगे खेलने का मौका मिलेगा उनका, उनका मनोबल बढ़ेगा, बहुत बड़ा काम किया है ये, बहुत अच्छा किया है जी, थैंक यू। लग रहा है भाई साहब बहुत ही भव्य टूर्नामेंट आएगा रिसालिया खेड़ा गांव की ओर से, बहुत ही अच्छा ग्राउंड, सारा बहुत ही अच्छा प्रबंध है, थैंक यू। भाई साहब कितना बच्चों को फायदा होगा नशों से बचाने के लिए? लगभग सभी ने गांव के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि नशे से दूर रहेंगे, क्रिकेट देखेंगे जैसे कि मन बहल जाएगा, और इधर उधर के काफ़ी समय टाइम पास होगा। टूर्नामेंट के बारे में ये कहना चाहता हूँ, युवाओं बच्चों के अंदर इस चीज़ की जागरूकता आएगी और बेकारी से वो दूर होंगे, और ऐसा होना चाहिए और कराना भी चाहिए, ये सरकार का मान लो अधिकार है कि जनता के अंदर जागरूकता, कोई नई चीज़ की
गांवों के अंदर भी युवाओं को देखने को मिलती है ना, उस विषय के लिए अंदर ये चीज सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। हाँ, मैं 70 साल का आदमी हूँ, पर मैं यहाँ 3-4 दिन से कंपलसरी आ रहा हूँ, देख रहा हूँ भी इस चीज का क्या लाभ है। लाभ है बहुत ज्यादा, 100 का 100 ही लाभ है। देखिए सर, जब तक गांव लेवल की बात करते, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है इस एरिया में, समझो सबसे बड़ी टूर्नामेंट यही हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज की जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है सर, तो इससे खेलों से ये प्रभाव पड़ेगा भी, बच्चों का ध्यान है ना खेलों की तरफ जाएगा और नशा मुक्ति से भी छुटकारा मिलेगा, ये सोच है जी हमारी। भाई जी नमस्कार, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया जेजेपी वालों ने, हमें जैसे प्लेयरों को भी खेलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हमारा नौका पूल है, ग्राउंड देखने आगे बढ़िया ग्राउंड है और एक नंबर टूर्नामेंट है भाइयों। हम बनवाला से जी। ठीक ठीक, विजय भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा और डॉक्टर अजय सिंह जी का भी बच्चों को जो खेलों की तरफ जो रुझान बढ़े और नशे से दूर रहे, और उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बढ़िया है, नशा तो दूर हो इनके बच्चे, बढ़िया कराओ टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बहुत बढ़िया भरावा, बहुत घट है अभी कलाकुर तो आए नहीं, सीधी गल, चलो ठीक है भरा।